बस्ती के थाना मलीपुर के महादेवा सलारपुर में न्यायालय प्रतिबंधित स्टे के बाद मंसूर खान समेत आधा दर्जन लोगों की जमीन को दबंगों ने अवैध तरीके से जोतकर किया कब्जा। मामला थाना मलीपुर के महादेवा सालरपुर का है, जहां दबंगों ने मंसूर खान समेत आधा दर्जन लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि मंसूर खान की इस जमीन पर उप जिलाधिकारी जुमना ने स्टे दे रखा है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न एंटी भूमाफिया स्क्वाड का डर है, न ही न्यायालय के स्टे का। वहीं सरकार अवैध जमीनों को मुक्त कराने की बात करती है, लेकिन सावस्ती में भूमाफियों के सामने शासन प्रशासन बोला नजर आता है। 17-18 साल के 15 साल के मैंने हमारे सबसे पहले बैनामा हमारे है, और इनके मत 7.5 बीघा खेत रहा, तो ये कोशिश की हम इनका खरीद ले चोरी चोरा, तो हम कहा कि ऐसा जत्ता मौके जमीन है वत्ता लो, हम लोग पहले लिया है, तो ये तो उन गवाह चोरी चोरा हम अपन मिलकर वो हर खेत ले ली। उसके बाद में हमारे उनके मीह खेत निकाले ला कई तुरल में फायदे तक 5 चक्कर खेत नापी भे, और उसके बाद में यहाँ कमे पड़े और नहीं लागे, तो उसके बाद में यहाँ माँ सब इसके लाख गवर लगाई दिया कि ऐसो कोनो मेरे से हाँ हम कहा ऐसो ई ना कब्जा करे, तो ये रात रात के जोताई से रात रात के मेड़ बंद है, काल देवी का जोतत रहा बिल्कुल हम मेहरवन के ऊपर चढ़ा लिया, ऐसे चढ़ाए दिए रात के फिर आवा संसाम के बाद हम लोग घरे रहे, तब ये 100 नंबर वाले का फोन का फोन लगाई वहाँ पुलिया थे ठाड़ रहे, और कहे कि मैंने सब सलाखपुर के आए हैं सब मेयर बांध रहते हैं कब्जा करते हैं, हम लोग घरे रहे कोई हम सब वहाँ घर से गवागा कहीं की खेत जोता था, जब आवागा रोका गा उनका तब ऊपर मुझे भतीज के ऊपर ट्राली चढ़ा कोशिश की है, हमका सबका गाड़ी दी और कहीं की इनका सबका मार डारो, और कलबटिस माँ यहाँ कलबटिस माँ कट्टा बंदूक सब धरे निकाले लिए, कहा इनका दाग दो जाए ना दो मादर चौदन कहीं तो मार, तब जबरदस्ती हम सब भाग के गवा गए घर का, नहीं तो ये सब कर्म करे डालता है हमारे सब को, और साबरा रही और मंजूर रहे और भोजा मनोरिया के उनके बहन बहनोई बिटिया दमाद सब रहे, और बहरी आदमी बलाई के ठरियाई हिस्सा है, तब जब के है बहरी आदमी तब हमका सबका गाड़ी दीने तब भाग के गवा गए घर का हम सब है, तो ले वहां से और इसके लाग गए खेत पर, कहागा कि खेत न जोतो तो कहीं चली जाओ नहीं टरेली चढ़ाए कोई मार सबका हम कचर दिया गए। इसके के बावजूद उन्होंने खेत जोता, खेत जोता, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आई थी, हाँ पुलिस आई, कहीं पुलिस आ गए है कोई ना बोलो, तो पुलिस वाले आए इतनी ठाड़ हो गया और ट्राली खेत में ठरिया दी, और वो दोनों 100 नंबर वाले आ गए, और वो दोनों भाग के वहाँ कलपटिस में गए बैठ गया, और साबरी और कई बिटिया और कई जत्ते दमाद रहे नाद बात रहे सब यही सड़क पर ठाड़ हो गए, और कहीं नहीं गया, जब हमका सबका बलाय लेकिन पुलिस से कहीं कि जाओ वहाँ सड़क पर बैठो तू सब है, और तब यहाँ बयान वो सबसे लेकिन वो सब बतवाने ये जैसे जोतत रहे तो हम लोग अंजान पावेगा तो आवेगा, तो जैसे कहागा फिर बंद कर दो न जोतो, तो कहे नहीं हम जोतब तो हम लोग ठाड़ हो गएगा, और लड़का कहे मंजूर कहे कि हम चढ़ा देव तुरे ऊपर लड़के हमारे रोक तो हम कहे तो कहीं चढ़ा देव गाड़ी गलौज हो लाग लड़के से, तो हम लोग आए गएगा तो हमसे सबसे हो लाग है और जोतब नहीं बंद की है तो सब उसके मनवरिया के उसके वो लगाया था आदमी लोग, उसका बहन वही है और आदमी लोग लगाया था, और उसका लड़का जोत रहा था ट्राली से, तो मैं जाके बोली, मैं बोली कि मतलब होएगा फिर तू जोत लेना, बोला नहीं तू आगे से दबा, मैं बोली नहीं दबूंगी, मेरे घर पे कोई आदमी नहीं था, मेरे बच्चे लोग भी कोई नहीं थे, मैं अकेले थी, जेठानी लोग औरते हैं तो आई, तो बोली फिर वो बोला दब जा, मैं बोली नहीं दबूंगी, तो बोला नहीं दबोगी तो भी ट्राली तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगी, तो ऐसे चढ़ाए दे था मेरा ऐसा गले पकड़ने लगा उसका छोकरा शरीफ का लड़का है, वो मंजूर नाम है उसका, कोई कब्जा कर है और हम लोग के पहले बैनामा है, और क्या बोलते है रात की गाड़ी से मारे आ रहे हैं। सवस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट, देखते रहिए टॉप न्यूज, जय हिंद, वंदे मातरम।